हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन द न्यू लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का। एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नाम से वैसे पता लग रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, और नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा यू ना जनरल नॉलेज है, मतलब चीज़ें आराम से हम ईज़िली पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ से बहुत एक कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे इसमें ऐसे कैसे होता है, इसमें ये क्या होता है, इसमें वो क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जनरल है, आसान होता है बच्चों के लिए भी इस चैप्टर को डील करना। तो करते हैं स्टार्ट। सो नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि वो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस दैट आर ओबटेन्ड फ्रॉम नेचर। तो वो रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन होती हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। और इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल में यानी कि द रिसोर्सेस विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, जैसे कि लाइक एयर, वाटर, सनलाइट। तो ये वो रिसोर्सेस, मतलब नाम ही है इनएग्जॉस्टेबल, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो रिसोर्सेस विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, मतलब हमेशा रहते हैं अवेलेबल। तो सच रिसोर्सेस आर योर एयर, वाटर एंड सनलाइट। नाउ कमिंग टू द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, सो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस जो हैं वो हैं आपके रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। इसमें आपके दो आ जाते हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। अब आप देखो, नाम से मतलब लग रहा है कि एग्जॉस्टेबल यानी कि कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। उसमें भी एग्जॉस्टेबल मीन्स दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, धीरे धीरे मतलब ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो रेन्यूएबल में तो ये है कि दीज रिसोर्सेस replenish themselves, मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं लेकिन टाइम टू टाइम ये अपने आप को replenish कर लेते हैं, ठीक है, renewable ones। और नॉन renewable, these resources can't be replenished। ये एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा फॉर्म नहीं होते, क्योंकि ये वो रिसोर्सेस हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म होने में, ठीक है। सो इनका जैसे कि एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोलियम, कोल वगैरह, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये फॉसिल फ्यूल्स ये होते हैं जो पूरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फॉसिल्स होते हैं ना, जो पुराने डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उनके डंप होने से जो फ्यूल्स बने हैं वो हैं वो। तो पेट्रोलियम, कोल वगैरह आ जाते हैं। तो एक बार वो ख़त्म हो गए तो वो दोबारा नहीं बन सकते, वेयर एज एग्जॉस्टेबल में वैसे तो ख़त्म होने के चांसेस हैं, लेकिन वो रिसोर्सेस जो अपने आप को कर लेते हैं रिन्यू, इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल
इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनएग्जॉस्टेबल यानी ये ख़त्म नहीं हो सकते हैं, रिसोर्सेज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एट ऑल, और इसका एग्जाम्पल है वाटर एंड सनलाइट। एंड एग्जॉस्टेबल जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं, और उसमें है दो टाइप्स आपके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, अगर नहीं कंट्रोल रखेंगे तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। वाइल्ड लाइफ है, अगर नहीं कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन सिंस वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं इसलिए अवेलेबल है, तो ये है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी ये कुछ भी कर लो ये दोबारा अवेलेबल नहीं होंगे। सो दीज आर द रिसोर्सेज जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते हैं, रिप्लेनिश्ड या रिन्यू। तो ऐसे में आपके आ जाते हैं दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स जैसे कि मैंने बताया, दीज आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म जो बहुत सालों पहले डाई आउट हो गए थे और उसके बाद में बनते हैं, ठीक है। सो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ओके बच्चों, अब इसमें से जैसे कि एयर वाटर वगैरह है, जैसे कि ये वाटर है, अब वाटर देख लो अर्थ पे कितना है। वाटर इज प्रेजेंट 75% ऑन अर्थ। ये जो वाटर है ये अर्थ पे 75%, बहुत कम, लैंड तो कम है और वाटर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो यू कैन सी लाइक डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी इतना वो नहीं है, मतलब इक्वल वो अवेलेबिलिटी नहीं है, दे आर डिफरेंट। और इसमें भी बच्चों लाइफ सपोर्टिंग जो वो है कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं लाइफ, है कि नहीं है। सो लाइफ इज ओनली फाउंड ऑन अर्थ, और अर्थ को फिर इन्होंने तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। अगर इसको हम ध्यान से वो करें तो अर्थ पे मतलब कि लाइफ जो है वो एक तो आपको मिलता है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये तीन जगह हैं। लिथोस्फीयर ये आ गया आपका क्रस्ट अर्थ वाला, एटमॉस्फेयर जो है वो एयर, और हाइड्रोस्फीयर जो हो गया वो वाटर। तो ये तीन चीज़ें आपको अर्थ, मतलब ओवरऑल अर्थ को सपोर्ट कर, लाइफ अगर जो अर्थ पे प्रेजेंट है तो वो इन तीन की वजह से है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो पानी हो गया पूरा, लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट हो गया अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर जो है वो हवा हो गया, ठीक है। और इन सब को मिला दो तो बनता है पूरा अर्थ, है ना। और इसी की वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। और ओवरऑल जो लाइफ वाला पार्ट है, इसीलिए अर्थ इज़ बेसिकली बायोस्फीयर, जिसमें दो चीज़ें कंबाइन होती हैं, बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ आ जाते हैं, और एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। तो इससे बायोस्फीयर सपोर्टेड है, बायोस्फीयर यानी के लाइफ, वो एरिया जहाँ लाइफ मिलती है। तो बायोस्फीयर में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो बायोटिक कम्युनिटी, ये जो लिविंग कंपोनेंट है अपना, और एक एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। और यही सारा है बच्चों। तो इसमें से बायोटिक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हो गया, ठीक है, ये भी एक तरीके के रिसोर्सेस ही हो गए, और एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग है। तो थोड़ा सा अब एबायोटिक कंपोनेंट, या फिर हम पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर को, क्योंकि ये वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, और फिर आगे और देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एटमॉस्फेयर। या फिर रोल ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, ठीक है।
एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द अर्थ्स ब्लैंकेट. अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट जैसा बना रहता है एटमॉस्फेयर का, और वो ऊपर से प्रेजेंट होता है. और एटमॉस्फेयर कवर होने की वजह से क्या क्या एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है? एक तो ये जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, इसमें कौन कौन से गैसेस हैं भाई? इसमें गैसेस हैं एक तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है. एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 78.09% है. ऑक्सीजन 20.94% है, यानी कि आप रफली ये 21% बोल सकते हो. और CO2 0.03% है. अब ये थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि नाइट्रोजन अच्छा खासा अमाउंट में है, 78%. ऑक्सीजन भी डिसेंट अमाउंट है, बट वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सच ट्रेसेस? इसके अलावा और भी गैसेस हैं, आर्गन है, हीलियम वगैरह है, तो ये सब गैसेस भी होते हैं. ये नहीं कि सिर्फ ये तीन ही हैं, और भी गैसेस हैं. जैसे आर्गन है 0.9%, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन. आर्गन 0.9% और हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर. ठीक है, ये है. इसे नियॉन भी आ जाता है, नियॉन. सो दिस इज द थिंग. तो अब ये देखो आप, ये तो एयर का कॉम्पोजिशन हो गया. अब इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो वो लग रहा है वो ये है CO2 का परसेंटेज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली कितना सारा प्रोड्यूस होता है. एक तो मतलब दो चीज़ें हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब इस दुनिया भर में तो देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेगा. आप मतलब मैं शॉक बता रही हूँ कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, रेस्पायर करता है, उसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट देखो 0.03% है ना? तो रेस्पिरेशन होता है. दूसरा इससे मतलब CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, नंबर वन. और नंबर टू है कंबशन, कंबशन प्रोसेस. अब जैसे कि फॉसिल फ्यूल वगैरह जो बर्न होते हैं, ये जब यू नो जलते हैं, कंबस्ट होते हैं, तो फिर वो जलने से जो धुआं निकलता है उसमें भी तो CO2 होता है. तो इतने सारे ये सब प्रोसेसेस होते हैं तो भी CO2 इतना सारा बन रहा है, मतलब इस प्रोसेस के बावजूद CO2 इतना कम कैसे है? और एक्चुअली मैं बताऊं तो अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल हुआ है वो इसी कम CO2 की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि मार्स और वीनस इन जो ये जो प्लैनेट्स हैं उन पे लाइफ नहीं है. अर्थ पे सिर्फ लाइफ है क्योंकि अर्थ पे ये प्रॉपर एटमॉस्फेयर का कवरिंग है बच्चों, जो कि एक ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है और अर्थ को हर प्रॉब्लम से बचाता है. और CO2 का परसेंटेज कम है, ये तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स हैं. क्यों वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स हैं? क्योंकि ज़्यादा CO2 होना अच्छी बात नहीं है, फिर वो लाइफ नहीं सपोर्ट करता है. जैसे वीनस और मार्स पे बताऊँ कितने, वीनस एंड मार्स इन जगहों पे लाइफ क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव 95-97% ऑफ CO2. मतलब सोचो इतना सारा परसेंटेज ऑफ CO2 है, इसीलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता. अपने कम है तभी अर्थ पे
लाइफ पॉसिबल है। तो फिर सवाल ये आता है कि जब इतना सारा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करके, रेस्पिरेशन करके CO2 बना रहा है, कंबशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, CO2 अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, देन वाई द CO2 लेवल इज लो? तो इसका आंसर है कि द रीजन फॉर लो CO2 परसेंटेज इन एयर इज क्या है? नंबर वन, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स विच यूजेस CO2 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और नंबर टू है मरीन ऑर्गेनिजम्स यूज कार्बोनेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर मेकिंग देयर शेल्स। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करो, इसको। तो CO2 के कम होने का ये रीज़न आप देख लो कि एक तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट यूजेस CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, है ना? तो ग्लूकोज बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए वो CO2 यूज़ करते हैं, तो जो भी CO2 प्रोड्यूस हुआ वो कितने सारे प्लांट है अर्थ पे, तो सारे प्लांट ने CO2 ले लिया, उससे ग्लूकोज बना लिया, तो वैसे कम हो गया। और दूसरा, मरीन ऑर्गेनिजम्स भी जो CO2 पानी में डिसॉल्व होता है, तो वो कार्बोनेट्स एक्चुअली CO2 का ही एक फॉर्म है, ठीक है? तो वो कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक फॉर्म है, तो इसको यूज़ करके वो अपने शेल्स बनाते हैं बाहर की कवरिंग। तो सारा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने यूज़ कर लिया, तो फिर एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाती है, और इसी की वजह से ये क्या करता है, लाइफ ऑन अर्थ को सपोर्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस लेस परसेंटेज लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है? उसके अलावा भी एटमॉस्फेयर का देखो बहुत सारा रोल है। पहले एटमॉस्फेयर की हम लेयर्स देख लेते हैं, लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर। सुना होगा ना बच्चों, ओजोन लेयर वगैरह पढ़ा है आप लोगों ने? जो ओजोन लेयर होता है जो अर्थ को यूवी रेस से बचाता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में होता है, ठीक है? तो दैट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। देन मेसोस्फेयर एंड फोर इज थर्मोस्फेयर। ये तो कुछ 0 to 20 किलोमीटर की रेंज में होता है, ये तो होता है अप टू 50 किलोमीटर की रेंज में, अप टू 50 किलोमीटर। मेसोस्फेयर कुछ 80 किलोमीटर की रेंज तक होता है, और ये 90 किलोमीटर से 500 to 1000 किलोमीटर का इसका रेंज जाता है। तो जो भी एटमॉस्फेयर है, जो मैंने कहा कि एयर का मिक्सचर है, वो अर्थ के ऊपर एज अ ब्लैंकेट प्रेजेंट होता है, तो वो एटमॉस्फेयर को इन चार लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, ठीक है? यहाँ पर मेन है इस वाला आपको ध्यान रखना, आप यहाँ पर ओजोन लेयर जैसे मैंने बताया जो अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है, वो ओजोन लेयर यहाँ पर होता है, और ट्रोपोस्फेयर है, ये हो गए आपके ट्रोपोस्फेयर जो होता है,
दिस इज बेजल लेयर, मतलब सबसे बेसिक लेयर होता है स्टार्टिंग का, और इस लेयर में आपको वही थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब इसी लेयर से आ जाता है। तो ये मेन याद रखो, बाकी तो और जितना ऊंचा जाओगे ऑब्वियसली ऊंचा होता है ना। तो दिस इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आगे हम देखते हैं कि रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। सो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। देखो एटमॉस्फेयर बच्चों एज अ ब्लैंकेट प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, ठीक है, और इससे क्या है, ये अर्थ के क्लाइमेट को ना बहुत डिसेंटली मेंटेन रखता है। मतलब ये दिस इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिंस हीट इतनी आसानी से कंडक्ट करता नहीं है, तो सन की वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस आना चाहिए या आता है उसको ये बखूबी मैनेज कर लेता है। इन द सेंस जैसे कि इससे ये होता है कि बैड कंडक्टर, तो हीट मतलब इट कीप्स द क्लाइमेट स्टेडी, मैं ये कहना चाह रही हूँ। सो कीप्स द क्लाइमेट स्टेडी। जो भी एक एरिया का क्लाइमेट देखो डिपेंड करता है, या वेदर डिपेंड करता है, वहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, सारी चीज़ें। तो ये एक एरिया का एक क्लाइमेट स्टेडी रखता है, और कैसे स्टडी रखता है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो कोई भी मतलब सन की टेम्परेचर आता है तो ये बहुत जल्दी उसमें डिफरेंस नहीं ला पाता है, तो एक स्टेडी स्टेबल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। आता है तो भी हीटिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, और रात को भी जब वो हीट वापस री रेडिएट होता है तो भी इतनी आसानी से इतनी इजीली नहीं हो पाता है। इसीलिए जो अर्थ का टेम्परेचर रेंज है वो एक नॉर्मल रेंज मेंटेन रहता है, सडन चेंज नहीं आता। लाइक फॉर एग्जांपल मून में, ऑन मून सेम डिस्टेंस, मून में क्या है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम सन एज अर्थ, अर्थ के जैसा ही डिस्टेंस है, बट लैक्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर रेंजेस रेंजेस फ्रॉम -110 डिग्री अप्रॉक्स, करीब करीब आप सोचो 110 कोई मामूली हुआ, -110, नो नॉट 110 ऑल्सो, -190 डिग्री सेल्सियस से, -190 डिग्री सेल्सियस और +110 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर रेंज जाता है, टू कर देती है, ठीक है। तो अब इतना डिफरेंस आ जाता है, धूप आया तो यहाँ चला गया, नहीं आया तो इतना चला गया। तो आप सोचो ये क्यों हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेयर है नहीं, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट इतनी आसानी से क्रिएट कर देता है। वेर एज अर्थ पे सिंस ये एटमॉस्फेयर है तो ये क्लाइमेट का इतना डेंजर शिफ्ट जो है वो होने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इट्स अ बैड कंडक्टर हीट, तो ये क्लाइमेट को स्टेडी रख पाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज विंड्स, हवा।
तो हवा इज क्या? नॉर्मली चलती है, हवा में हम आराम से रहते हैं, और जब गर्मियों में हवा चले ठंडी ठंडी, तो वी फील सो आई मीन रिलैक्स्ड एंड बहुत ईज्ड आउट फील करते हैं. क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियसली ठंडी हवा चली, लेकिन क्या साइंटिफिकली ये सोचा है कि हवा चलते कैसे हैं? तो हम वो सुन लेते हैं थोड़ा. देखो, एयर ऐसे होता है कि ये जो ब्रीज बोलते हैं, इसका मूवमेंट एक्चुअली साइंटिफिक रीजंस हैं इसके. जैसे फॉर एग्जांपल, हवा जो होता है ना बच्चों, वो बहुत जल्दी, नॉट बहुत जल्दी बट हाँ, कंपेयर टू वाटर, एयर इज कूल, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है. ठीक है, तो अब लैंड जल्दी गर्म होने पे क्या होता है कि सिंस उसके ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो गई, तो लाइटर एयर क्या है वो ऊपर उड़ जाता है. ठीक है, तो दिन के टाइम क्या होता है, डे टाइम में, ड्यूरिंग डे लैंड, सनलाइट अगर है तो लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. ठीक है, सो एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप. भाई क्या हुआ, जमीन, पानी और जमीन की बात हो रही है. कोस्टल एरियाज में, जैसे मुंबई जैसे एरिया में देख लें हम, तो वहां पर जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड तो उसके ऊपर का जो हवा है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, और लाइट होके वो ऊपर राइज हो जाता है. जैसे ही वो ऊपर राइज अप हो जाता है, तो वहां पर लो प्रेशर इज क्रिएटेड, और इस प्रेशर को फिल करने के लिए द एयर फ्रॉम सी ब्लोज टूवर्ड्स लैंड टू बैलेंस द प्रेशर. तो ये हाई टू लो प्रेशर एयर का मूवमेंट हो जाता है. सो सी से वो लैंड की तरफ हवा चलने लग जाती है, जिससे कि क्या होता है, ये इधर ब्लो हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे करके एयर का मूवमेंट होता है, प्रेशर मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो बिल्ड होता है, और जस्ट ऑपोजिट नाइट में होता है. नाइट में क्या होता है कि रात को लैंड इज कूलर, ठंडा रहता है, क्योंकि पानी धीरे से गर्म हुआ है, तो अब वो रात को ज़्यादा गर्म रहता है, तो हवा अबव द वाटर इज नाउ वार्मर. तो रात के टाइम में सी कोस्ट के ऊपर का जो, सी के ऊपर का जो हवा होता है वो गर्म होता है, तो वो रात को वो उड़ जाता है. रात को वो जब राइज अप हो जाता है, तो एयर फ्रॉम लैंड वो फिर उस तरफ बहता है. लैंड ब्रीज, सी भी ब्रीज, सुना ही होगा ना आपने वो, ने ये वही है. तो रात को जब हवा उड़ जाता है सी के ऊपर से लाइट होके, तो लैंड वाला जो ब्रीज है वो हवा जो है वो बह के उधर जाता है. सो दिस इज़ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. ठीक है, तो ये वो चीज़ है. तो हवा एक्चुअली हम जो हवा फील करते हैं ना, इसी रीज़न की वजह से होता है. और ये जो मूवमेंट होता है, ये एक टर्म आता है कन्वेक्शन करंट. जब वो मूवमेंट होता है ना, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, ये सेटअप हो जाता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब होता है ना, और इसके थ्रू हवा चलती है. सो दिस इज द रीजन व्हाई द विंड ब्लोज. ओके, तो इसका तो ये साइंटिफिक रीजन हो ही गया है. अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा है ये आपको. ओके, अब उसके अलावा विंड ब्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ये भी है कि जब जो विंड ब्लो होते हैं उनमें, जैसे कि पहाड़ी एरिया है, तो वो लोग भी हवा को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से फ़र्क पड़ता है. तो ये अनइवन सा ब्लोइंग जो है वो सब, यू नो, पूरा इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. सो दिस इज हाउ द विंड ब्लोज. इसके बाद में आपको थोड़ा सा समझना है रेन, हाउ इज रेन कॉज्ड. तो देखो, एटमॉस्फेयर की ये जो चेंजेस है, ये जो अभी हवा वाला भी पढ़ाया मैंने, अभी हवा की बात जो करी मैंने, उसमें भी जो
कॉन्सेप्ट है वो एयर ब्लोइंग का तो अभी मैंने बता ही दिया, उसमें एक और रीज़न है जो ये चेंजेस लाते हैं, वो है वाटर वेपर फॉर्मेशन। तो वाटर वेपर फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो द थिंग विच डिटरमाइंस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर ने हवा को गर्म किया उससे वो उड़ गया एंड ऑल दैट, वाटर वेपर भी एक रोल प्ले करता है इन चीज़ों में। और यहाँ तो सबसे मेन रोल वाटर वेपर का ही है। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि द वाटर इन वाटर बॉडीज गेट्स हीटेड अप एंड इज कन्वर्टेड इंटू एंड इज कन्वर्टेड इंटू वेपर्स, ठीक है। फिर द वॉटर वेपर राइजेस अप, पानी ऊपर राइज अप हो गया है ना, एंड फॉर्म क्लाउड्स एंड देन कंडेंसेशन हो जाता है, कम डाउन एज रेन। तो बेसिकली रेन में क्या होता है, वाटर बॉडीज जब गर्म हो जाते हैं सन के हीट की वजह से, तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर जो है वो बन के एंड देन इट राइजेज अप। जैसे ही ये राइज अप हो जाता है ये ऊपर जाके क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। और क्लाउड बनने के बाद में फिर वो वहाँ एयर क्या है, थोड़ा ठंडा रहता है ऊपर, जैसे जैसे जाएंगे थोड़ा टेम्परेचर ठंडा होता है। तो धीरे धीरे ये ठंडा होने के बाद में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब है वेपर टू बैक टू लिक्विड। तो ठंडे की वजह से ये वेपर्स जो बने थे वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जब ये बहुत बल्की हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स तो ऊपर ही बना लेते हैं, बट ये ड्रॉपलेट्स गिरते हैं रेन की फॉर्म में तब जब ये पूरा बल्की ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, एंड देन दे कम आउट एज रेन। और रेन के अलावा भी आपने देखा होगा कभी कभार हेल स्टोन्स आते हैं, स्नो आते हैं, तो ये तब होता है जब कंडेंसेशन होने के बाद इवन द हवा का टेम्परेचर जो है वो हवा का टेम्परेचर इज़ वेरी लो, तब यही रेन फिर स्नोफॉल या हेल के तौर पे नीचे आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों रेन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ रेनफॉल इज फॉर्म्ड। अब होता यह है कि यहाँ पर कंडेंसेशन से और कम डाउन एज रेन, तो ऊपर एक्चुअली जब वो जाते हैं ना वाटर वेपर, तो एयर ऊपर जाके एक्सपांड होता है, लेकिन ठंडा होके दे फॉर्म द क्लाउड एंड कंडेंसेशन हो गया, दे फॉल डाउन एज रेन। तो यहाँ पर तो पहले टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं और ये फिर गेट बिगर एंड बिगर ठीक है, और फिर फाइनली जब बड़े हो जाते हैं तो गिरते हैं। और गिरते समय बच्चों मोस्टली उसके साथ गिरते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी तो हवा में खूब होते हैं, तो उनके साथ वो नीचे गिरते हैं। सो ऐसा होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह उनके साथ में दे फॉल डाउन एज रेन। तो इंडिया में देखो रेनफॉल पैटर्न भी कितना डिफरेंट है। जनरली साउथ वेस्ट मानसून जो बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं या नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दो थोड़ा सा रेनफॉल पैटर्न जो है वो डिसाइड करते हैं। आपने वो देखा होगा ना, वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं ना न्यूज़ में, तो सैटेलाइट के इमेजेस दिखाते हैं, उससे दिखता है कहाँ कहाँ क्लाउड्स किस तरीके से फॉर्म्ड है और फिर कैसे वो क्लाउड्स कहाँ, मतलब रेनफॉल हो सकता है ज़्यादा, कहाँ कम, कैसा, सारा प्रेडिक्शन वो दिखा देते हैं। तो इस तरीके से रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस आप ध्यान रखना, एंड दिस इज व्हाट इज रेन। अब आई थिंक ये तो इंट्रोडक्टरी पे वो था, क्लास था, इंट्रोडक्शन में हमने बस ये समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एयर वाटर रेन ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे क्या रोल है एटमॉस्फेयर का, ये तो बेसिक डिटेल्स हमने समझी बच्चों आज। तो
अब अगले क्लास पे फुल फ्लेजेड कोर ऑफ द चैप्टर में जाएंगे, जहां हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और उसके आगे की जो भी साइकिल्स हैं ये सब देखेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. तब तक के लिए वॉच द वीडियोज एंड कीप इन टच विद अस. थैंक यू.